अलीगढ़ में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की मांग को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विगत वर्ष की तरह इस बार भी छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण करने की योजना बनाई जा रही है, जो नियम विरुद्ध है, जो किसी भी शासनादेश या विश्वविद्यालय में मान्य नहीं है। जबकि पूर्व में भी विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाओं के आधार पर केंद्र निर्धारण करता रहा और आज भी अन्य विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाओं के आधार पर ही केंद्र निर्धारण कर परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रहे हैं। ज्ञापन देकर मांग की है कि छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण न करके महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के आधार पर केंद्र निर्धारण किए जाए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज, सचिव चंद्र प्रकाश पांचाल, सुनील राम अवतार शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हमने विश्वविद्यालय में कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि उन्होंने एक नियम बना रखा है कि यदि किसी महाविद्यालय में छात्र संख्या 250 ही होगी तभी ये परीक्षा केंद्र निर्धारित करेंगे, यदि इससे कम छात्र होंगे तो उसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी शासन में, किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम नहीं है। जैसा कि इन्होंने नियम बनाया है कि 250 छात्र होने पर भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे, नियम यह है कि यदि किसी महाविद्यालय में आधारभूत सुविधा नहीं है, टीचर्स नहीं है, बाउंड्री बॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो उसका परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए। बाकी सभी परीक्षा केंद्र होने चाहिए जो ये नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और इस हिसाब से अभी हमने बोला है कि या तो आप ऐसा हमारा करिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन में कुछ नहीं दिया गया है, बीच साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है और हमें लगता भी नहीं है ये कुछ करेंगे। ये अपनी मनमानी और तानाशाही करेंगे, जैसे इन्होंने पिछले सत्र में किया था, 250 पर ही परीक्षा केंद्र बनाया था और ये किसी की भी माने भी नहीं थी। हमने माननीय MSD साहब को भी लाके पहलवाया था, उनकी भी नहीं माने थी। ये कहने की बात है, सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है। यदि ऐसा हुआ तो हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हम आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। अभी जो है BC साहब नहीं मान रहे हैं कि जो है अभी परीक्षा केंद्र जो वैसे बना देते हैं वो अपनी इच्छा से, कि एक के यहाँ तो चले जाते हैं, 1000 बच्चे परीक्षा देते हैं और कोई परीक्षा जिसपे आधारभूत सुविधाएं नहीं है उसको भी परीक्षा केंद्र बना देते हैं, उसके यहाँ छात्र संख्या का इन्होंने रेशियो मान रखा है। और जिनके यहाँ पहले से आगरा विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र बनते रहे, जिनके यहाँ कैमरा है, बाउंड्री है, टीचर्स हैं, उनको परीक्षा केंद्र ये नहीं बनाते। स्ववित्त पोषित एसोसिएशन अलीगढ़ के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम लोगों का कहना BC साहब से ये था कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में नियम है कि जिस विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं हैं ऐसे विद्यालयों को केंद्र बनाना जरूरी होता है, लेकिन माननीय कुलपति जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना नियम बना लिया है, वो कहते हैं कि मैं 250 छात्र संख्या जहाँ पर है वहीं पर ही परीक्षा केंद्र बनाऊंगा, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। जिन विद्यालयों में सभी आधारभूत सुविधाएं हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाना चाहिए, ये हमारी एसोसिएशन की मांग है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।